Hello students, how are you? I hope you all will be fine. Welcome to my YouTube channel Kiran Punia. Let's start our study with smiley face and fresh mind. आज हम start करेंगे हमारी exercise 13.3 जिसकी हम question number 1, 2 and 3 discuss करेंगे. Exercise 13.3 में हमारी है cone से related. Curved surface area जो होता है आपका cone का वो होता है pi r l. आर जहाँ पे कौन की रेडियस होती है एंड एल आपके कौन की क्या होगी स्लेंट हाइट होगी. स्लेंट हाइट कौन सी बताई थी मैंने जब इंट्रोडक्शन करवाया था चैप्टर का, तब स्लेंट हाइट जो तिरछी आपकी क्या होती है हाइट होती है वो होती है, जो स्ट्रेट हाइट होती है वो एच होती है और जो टेढ़ी हाइट होती है वो स्लेंट हाइट होती है. टोटल सरफेस एरिया आपके कौन का होता है पाई आर एल प्लस आर, आर रेडियस एल स्लेंट हाइट. अगर आपको स्लेंट हाइट गिवन है तो बहुत अच्छा है, अगर स्लेंट हाइट गिवन नहीं है रेडियस एंड हाइट गिवन है आपको कौन की तो वहां से भी आप स्लेंट हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि क्या बनेगा आपके पास L इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर. रेडियस का स्क्वेयर प्लस हाइट का स्क्वेयर करके उसका स्क्वेयर रूट निकाल देंगे तो वो आपके पास स्लेंट हाइट बनती है. बनती किस वजह से है, आपके कोन की शेप होती है कुछ ऐसी, इस टाइप से बनता है ना आपका कोण. ये होती है आपकी रेडियस, ये होती है आपकी हाइट. अब आपको ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रही है और ये होती है आपकी एल, तो ये हाइट परपेंडिकुलर है, ये रेडियस बेस है और ये आपकी क्या है हाइपोटेन्यूज. तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर एल का स्क्वेयर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वेयर प्लस हाइट स्क्वेयर, यही होगा ना पाइथागोरस थ्योरम से, बेस का स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वेयर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर. ठीक है, एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये स्क्वेयर यहाँ पे है तो राइट साइड में जाके स्क्वेयर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा. इसलिए हम बोलते हैं कि स्लेंट हाइट किसकी इक्वल होती है, रेडियस का स्क्वेयर प्लस हाइट का स्क्वेयर और उसका स्क्वेयर रूट. अब हम डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 4.2 सेंटीमीटर. कोई आपका कोन है जिसके बेस की डायामीटर है 4.2 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लेंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर. जो स्लेंट हाइट ये होती है ना स्लेंट हाइट, ये कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर है. फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, आपको कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. डायामीटर है 4.2 सेंटीमीटर तो रेडियस क्या हो जाएगी, डायामीटर की हाफ मीन्स 2 से आप डिवाइड कर देंगे डायामीटर को, 4.2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर. तो रेडियस आ गया आपके पास 2.1 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे स्लेंट हाइट मीन्स स्लेंट हाइट को डिनोट करेंगे एल से और सिंपल हाइट को डिनोट करेंगे एच से. ठीक है, स्लेंट हाइट गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर और पूछा क्या है आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कौन का क्या होता है पाई आर एल. अभी अभी पढ़ा है हमने, वैल्यू रख देंगे पाई 22/7, रेडियस कितनी है 4.2/2 एंड हाइट है आपकी 10, जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 2/11. अब यहाँ पे देखिए 11/7 मल्टीप्लाई बाय 4.2 है तो इसको 42/10 लिख सकते हैं ना डेसिमल को हटा के, मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से 10 कैंसिल, 7/6 = 42, क्या आ गया 11/6 = 66 सेंटीमीटर स्क्वेयर आ गया आपका कर्व सरफेस एरिया. तो आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कम करनी पड़े इसके लिए डेसिमल को आप कन्वर्ट कर देंगे, जैसे डेसिमल हटा के नीचे डिवाइड करते हैं ना हम 10, 100, 1000 से, ऐसे आप डिवाइड करवा देंगे. डेसिमल के बाद 1 डिजिट तो 10 से डिवाइड, 2 डिजिट तो 100 से, 3 डिजिट तो 1000 से डिवाइड. ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लेंट हाइट इज 14 मीटर एंड डायामीटर ऑफ इट्स बेस इज 20 मीटर. डायामीटर तो है 20 मीटर और स्लेंट हाइट मीन्स ये एल है आपका 14 मीटर. आपको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया. डायामीटर 20 है तो रेडियस उस 20 की हाफ कितनी हो जाएगी 20/2 इज इक्वल टू 10 मीटर. स्लेंट हाइट है 14 मीटर आपकी गिवन, मींस एल है आपका 14 मीटर. टोटल सरफेस एरिया निकालना है कौन का, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल प्लस आर. ठीक है, विच इज इक्वल टू 22/7
मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितनी है आपके पास 10, ब्रैकेट लेंथ कितनी है आपकी 14, प्लस रेडियस कितनी है 10, क्या आ जाएगा आपके पास 22 बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 10 24, ठीक है। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करवा देंगे सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये आ जाएगा आपके पास एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब आपको यहाँ तो रेडियस भी गिवन है और स्लेंट हाइट भी गिवन है, तो आपने सिंपली क्या कर दिया, फॉर्मूला के अंदर आपकी वैल्यू पुट करी और कैलकुलेशन कर दी, ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया। थर्ड क्वेश्चन है इसमें हमारे पास, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 388 सेंटीमीटर स्क्वेयर। कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का है 388 सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड इट्स स्लेंट हाइट इज 21 सेंटीमीटर। जो स्लेंट हाइट है वो कितनी है, एल है 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे फाइंड फर्स्ट पार्ट है रेडियस ऑफ द बेस, बेस की आपको रेडियस बतानी है। सेकंड पार्ट में टोटल सरफेस एरिया बताना है आपको कोन का। तो फर्स्ट पार्ट में क्या क्या गिवन है, कर्व सरफेस एरिया 388 सेंटीमीटर स्क्वेयर, स्लेंट हाइट मीन्स एल है 21 सेंटीमीटर, रेडियस फाइंड आउट करनी है। कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया गिवन कितना है 388 विच इज इक्वल टू पाई, पाई की वैल्यू 22 बाय 7, रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है, स्लेंट हाइट है 21, 7 थ्रीजा 21, कट हो गया आपका। अब क्या आएगा, रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 388 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 22 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है ना इस आर के, क्या आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई आर, ये बचा ना, और रेडियस निकालनी है तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जब जाएगा तो ये मल्टीप्लीकेशन में था तो डिवीजन में आ जाता है, ठीक है। अब अगर आपका ये क्या होता है, कट होता है तो कट कर देंगे, 2 पे कट हो जाएगा 11 194, तो आपका आंसर क्या आ गया 194 डिवाइडेड बाय 33, ठीक है। 33 से डिवाइड करवाने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगी, आपकी रेडियस हो जाएगी सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट पूछा था इन्होंने टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा कोन का, ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस आर। पाई कितने हैं आपके पास, यहाँ पे 22 बाय 7, रेडियस है 194 प्लस 33 बाय 33, स्लेंट हाइट आपके पास यहाँ कितनी गिवन है, स्लेंट हाइट 21, कितनी गिवन है स्लेंट हाइट 21 और रेडियस है 194 बाय 33, ये आपके पास क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वेयर में सरफेस एरिया आ जाएगा, ऐसे सॉल्व करना है आपको। थैंक यू क्लास।